Hi guys, so welcome back to Foodie 5e and we are back again with another recipe. So today we are making mango bread pudding without oven. And if you like my recipe, don't forget to subscribe my channel. So let's start with the mangoes. We are taking two mangoes. We need around half cup of mango pulp. सो जस्ट पीट इट ऑफ और रफली चॉप कर दें बिकॉज अल्टीमेटली हमें इसे ब्लेंडर में डाल के इसका प्योरे ही करना है. देन वी आर टेकिंग अराउंड 5 ब्रेड्स जिसका हमने ब्राउन पार्ट निकाल लेना है. इस ब्राउन पार्ट को आप फेंके नहीं क्योंकि इसको आप मिक्सी में चला के ब्रेड क्रम्स बना लें और फिर आप उसे किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं. जो व्हाइट पार्ट हमने कट किया था वो सारी ब्रेड्स हमने ले ली हैं और उसको हम मिक्सी में चला के एक फाइन पाउडर बना लेंगे. सी तो हमारा पाउडर रेडी है. अब हम मैंगो प्योरी कर लेंगे. ये भी रेडी हो गई. सो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग. पहले हम अपना बेस रेडी करेंगे जिसके लिए लिया है हमने अराउंड 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर. इसको हम कैरामलाइज करेंगे. इसमें अराउंड आप 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं कैरामलाइजेशन के लिए. सो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहें. लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहें. सी नाउ इट्स स्टार्टेड मेल्टिंग. धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई है आपकी जो शुगर थी. इसको स्टर करते रहें और इफ यू वांट यू कैन ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर. इससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी फ्लोई हो जाएगी. सो इट स्टार्टेड टर्निंग ब्राउन नाउ. इससे हमारा जो ऊपर ग्लेजिंग है वो बहुत अच्छी आती है. सो सी इट्स रेडी. सो इसको हम अपने केक टिन में डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला करके इसको सेट होने के लिए एक साइड में रख देंगे हम. सी इट्स रेडी. नाउ वी विल टेक मिल्क. वी आर टेकिंग 1.5 कप ऑफ मिल्क. लेट इट बॉयल बिकॉज हमें थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए यहाँ पर. और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी. अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो अगर आपके पास कोई टिफ़िन है या कोई चौड़ा बेस का टिफ़िन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. सो सी इट स्टार्टेड बॉयलिंग नाउ. सो सी इट इज़ बॉयलिंग. बाय द टाइम वी विल टेक अ बोल जिसमें हमने ऐड किया है 4 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर. इसमें हमने ऐड किया है 1/4 कप ऑफ वाटर. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ भी लम्स नहीं रहेंगे. सी इट इज रेडी. इसको हम साइड पे रख देंगे अभी. सो नाउ इन दिस मिल्क वी आर एडिंग 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन उसके बाद में जो हमने अपना मैंगो पल्प रेडी किया हुआ था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे. सी नाउ इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें आप. तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बॉईल होने देंगे एंड देन उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे जो कस्टर्ड की स्लरी हमने प्रिपेयर की थी. अब तीनों चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड लेट इट बॉईल एंड थिकन इट. सी इट स्टार्टेड थिकन. गाढ़ा होना शुरू हो गया ये. अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो ब्रेड क्रम्स हमने जो प्रिपेयर किए थे. थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें. ऐड लिटिल बिट, मिक्स इट एंड देन अगेन ऐड लिटिल बिट एंड मिक्स इट. सो सी एंड देन इसको हम वापस से कुक होने देंगे. अब इट्स अ वेरी अमेजिंग डिश विद अ किक ऑफ मैंगो. और अगर आप स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करें सो इट्स नॉट टफ वन टू मेक इट एट होम. सो सी हमारा जो मैंगो का और सब चीज़ों का जो मिक्स था वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है. आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक. सो एक बार ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए देन हम इसको ऐड कर देंगे. जो हमने कैरमल बेस रेडी किया था उसमें हमने इसमें ऐड कर दिया है और हल्का हल्का टैप कर दें. फिर हम फॉइल पेपर से इसको सील कर देंगे चारों तरफ से. देन इन अ पैन स्विच ऑन द फ्लेम. वाटर ऐड करें उसमें. एक स्टैंड रखें और जब वाटर बॉयल होने लगे सो आपका ये कैरेमल पुडिंग उसमें रख करके कवर कर दें एंड लेट इट कुक फॉर 25 to 30 मिनट्स. इसको कुक होने दें अच्छे से. सो एक बार ये अच्छे से 25-30 मिनट्स कुक हो जाएगा फिर इसको हम निकाल करके रूम टेम्परेचर पे आने देंगे एंड देन यू हैव टू रेफ्रिजरेट फॉर नेक्स्ट लाइक 2 to 3 आवर्स सेट होने के लिए. सो इट इज़ रेडी नाउ. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. आफ्टर रेफ्रिजरेशन यू कैन टेक आउट द बेस एंड इट इज़ रेडी टू सर्व. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. So if you are watching it for the first time or you are first time on my channel, I request you to subscribe my channel. Do give a try and do let us know in the comment section. And if you want us to bring any other recipe, do let us know in the comment section. Now I will cut it and show it to you because I can't wait to have it. So
So see how beautiful and delicious it is looking. So guys, if you like my recipe, don't forget to like, share, subscribe and comment and hit the bell icon so that you can get notified whenever I'm uploading another video. So stay tuned and thank you for watching.